ऐसी सही है, ऐसी सही लग रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और बस सुबह हो चुकी है, साफ सफाई होने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं खाना। वैसे खाना तो क्या, खाना तो बाद में बनाऊंगी, अभी तो मैं साग ही काट के रखूंगी कि आज बना रही हूँ मैं सरसों का साग और मक्का की रोटी। तो इसलिए पहले मैं साग काट के रखूंगी, फिर चलिए करते हैं काम स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे काट लेती हूँ मैं साग, और साग काट के धो के रख दूंगी ताकि पानी इसका थोड़ा सा निचड़ जाए, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। खाना तो थोड़ा सा मैं लेट ही बनाती हूँ कि बच्चों थोड़ा सा ताज़ा और गर्म खाना मिल जाए। तो इसलिए पहले तो बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको गर्म खाना सुबह ही बना लेती थी मैं खाना बच्चों जाने के स्कूल के चक्कर में, लंच वगैरह के लिए। अब तो थोड़ा बच्चा लेट जाते हैं तो मैं इसलिए थोड़ा लेट ही बना, लेट नहीं, आज अब जाते ही नहीं है स्कूल लॉकडाउन के चक्कर में, तो इसलिए अब मैं खाना थोड़ा बच्चों ताज़ा ही बना के देती हूँ। तो इससे बच्चों थोड़ा ताज़ा खाना और गर्म खाना मिल जाता है, नहीं तो स्कूल जाते थे बेचारे ठंडा ही खाना लेके जाते थे, ठंडा ही खाते थे वहाँ पे लंच में भी। तो इस बहाने अब थोड़ा सा गर्म बना लेती हूँ बाकी सारे काम करने के बाद, फिर बाद में खाना बनाती हूँ। और थोड़ा सा बच्चे रहते ना घर में तो दिल भी लग जाता है, पहले तो बच्चे स्कूल चले जाते, ट्यूशन चले जाते, सारा दिन मेरा अकेले निकल जाता था, समय भी नहीं मिलता था मुझको। तो चलिए काट लेती हूँ साग। आपकी वीडियो बना रहा हूँ। नहाना धोना तो कुछ है नहीं है? ना 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 सांप आ गया, सांप घर में जैसा खुद है ना वैसे इसको बना दिया है, टेढ़ा व्यक्ति पता नहीं कैसा कर दिया इसको, दिखाओ कर दिया मैंने ठीक। और जो छेड़ा था टांग रहे थे वो ऐसे कर दूंगी मैं, बता रही हूँ तो छेड़ मत दियो। देखो अगर आपको ये फ्लिप करना है ना, पता है कैसे करा करो बिना रोक के वीडियो, ये देखो सब ऐसे ही करते है, बता रहा था। रुक 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 काजली, ये हो गए बाबूजी तैयार, अपने कोट वोट पहन गए और हवा दिखाते हैं कितनी तेज चल रही है, देखो पर्दा हिलता हुआ, देखो सामने इतनी तेज हवा चल रही है, बस क्या बताऊँ मैं, आज तो वाकई बहुत तेज हवा है। ये लगे हुए अपने काम में, मेरी रह गई ये साड़ी तय करनी, तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी साड़ी तय। और गुन्नू अपनी कॉपी किताब सेट कर रही है, मतलब अभी चल रही है शाम की सफाई हमारी। और ये देख लो शाम होते होते पूरा घर संगवाओ, 12 बजे तक बिल्कुल साफ सुथरा, फिर ये 12 से 4 बजे का टाइम होता ना ये फैलावे का सामने चालू हो जाता है, पता नहीं क्या करते हैं समझ में नहीं आता, देख ले फिर भी कितने फैला पड़ा हुआ है, वो अपने कंबल ओढ़ के बैठे हुए वो भी हमारे ऊपर ही गए, हमारे फैन आई है ना। हाँ तुम्हारे फैन वही है, सारे दिन कंबल पलंग पर डाल के रखते हो तुम, तुम्हें ठंड ज्यादा लगती है, ठंड हो भी ज्यादा रही है ना, अब देखिए मेरे हाथ ठंडे हो रहे, देखिए ऐसी हवा में। और पता है ये वाले इसमें लैस मैंने सी ली थी, फिर दोबारा ऐसा हो गया, बताओ हम लोग कुछ सर्मी भी नहीं कर पाते इसको सही करना, पता है क्या हो रहा है, मशीन भी सही से चल नहीं रही है।
मैं आज सुबह सिल रही थी मशीन में, पता है सिलाई अच्छी नहीं दिखता है वाली, देखिए सिलाई। और पता है देखिए ये वाली, देख मैंने साड़ी कितनी ऊंची बांध रखी है आज, आज साड़ी बहुत ऊंची बांध रखी है, बताऊं क्यों? हाँ आपको काम करना था ना, उसका कारण वो क्या है, क्योंकि ना मेरी साड़ी का जो फोल है ना उधर गया है थोड़ा सा, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले सिल नया टांगा था इसका फोल, और ये सारा उभड़ गया है, और ये साड़ी मुझे ऊंची बांध रही, क्योंकि बार बार फोल जो है ना मेरे बार बार मेरे पैर में आ गया, मेरे झाड़ू झाड़ू है गई, कपड़े संभाले, कपड़े 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 भगवान, बहुत परेशान हुआ दिल चुपड़ों से। बल्कि मेरे पास मैंने खरीदे भी नहीं है तब ये हाल है। अरे खरीदने कह रही नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ मेरे तो वही निकले पड़े हैं दो जोड़े। मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने कहा कि मतलब सारा दिन जब तो झाड़ रहे हो कपड़े कपड़े नहीं लगाते सर्दियों में, ये वीडियो बना भी रही है खाली बना रहा हूँ, मेरा तो चोटी भी नहीं है, जब मैंने स्वेटर पहनने को कहती हूँ तब तो आपको पहना नहीं होता, नहीं पता नहीं इसको रहने दो अभी, फिर मैं सुबह से नहीं नहीं ना कोई फायदा है आपका इसको, कोई नहीं मेरे पास सफाई कर देना मेरे से, ये ले पकड़ क्या, मैं झाड़ू तो सही इसको पकड़ ना, वहीं पे तकिया रखा है, तकिए को हटाया जा नहीं रहा वहीं पे, क्या तकिया पता नहीं कभी बिस्तर का काम खत्म होगा, समय नहीं आ रहा मुझे, अरे बिस्तर का काम खत्म हो तो गर्मी से परेशान, तेल निकलेगा बुरी तरह हमारा, ना सर्दी में सुखी है तो ना तो क्या गर्मियों में सारा दिन बस पंखे बिना नहीं रहता, पसीने पंखे में भी तेल निकलता है, सर सही से बिस्तर बिस्तर लग जाएगा तो अच्छा लगता है, फैला हुआ भी अच्छा लगता है घर में, तब भी ये क्या है, क्या है ये तो मैं ओढ़ूंगी में लेके जाऊंगी नीचे की थोड़ी में, उसको ऐसे उसको ऐसे रखने का कोई फायदा है जब मुझे अपने तरीके से ही रखना है इस पलंग को, वहां पे भी रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं मैं एक घर का साफ सुथरा कर लूं, मुझे घर गंदा अच्छा नहीं लगता, झाड़ू लगाऊंगी साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा इसको पकड़ो मेरे को पानी पी, एक सेकंड रुक जाओ, जो चीज जहाँ बैठते हो वहीं रख देते हो, जो चीज जहाँ बैठते हो वहीं रख देते हो, और छोड़ के सब अपनी जगह पे नहीं रखते हो, है ना, गुनु हद हो गई है, मैंने एक सेकंड में वो पलंग सिंगवाई नहीं, तुम भी खेलने में उत्सुक रह रहे हो हैं, मैं क्या करूं, मैंने पहले बोला था, क्या पहले बोला था, मेरे को काम करना है, भाई ऐसे कोई होता थोड़ा तो बिस्तर साफ रहने दिया करो, मैंने बोला था करने का, क्या बोला था, अभी से रजाई निकल गई है, बता थोड़ा देर तुम बिना उसके नहीं बैठ सकते हो, हैं ऐसे कोई होता भाई, घर को साफ ही नहीं रहने देते तुम लिचड़ो, हाँ फिर बिछा के बैठ, एक सेकंड मुझे कंबल तय करके रखे नहीं हुआ, मैंने आपसे तो भी बोला था, क्या बोला था भाई, ऐसे कोई होता है, मैं सफाई झाड़ू भी नहीं लगने थी, मैं बिस्तर संगवा के दो मिनट एक सेकंड भार गई और तुमने दरवाजा निकाल के बैठ गई, ये तो गलत है ना, मैंने आपसे पहले बोला था, पहले बोला था घर साफ सुथरा एक बार नजर तो मान लेते करो साफ सुथरा, घर को सुबह हो सुबह सुबह बिस्तर लेके बैठे रहोगे क्लासों के लिए, शाम को है शाम को, अब बैठ गई रजाई कंबल लेके, और ये देखो जमीन में लटका रखा सारा गंदा हो रहा है, कह रही हो ना अभी तो, हाँ
और 10-20 कपड़े लपेट ले, तुम्हें तो सर्दी थोड़ी बढ़ रही है। करके रख दो वरना तो हाँ हाँ फिर तेरे को करना पड़ता है। तो बाद में कर लियो, पीछे पूरे बिस्तर से जाके रख दिए 5 बजे शाम के। अरे तो रात को कर लियो बाबू, थोड़ा घर तो साफ सुथरा। ये देखियो ये कौन सा बिस्तर तैयार हो रहा है, है? अभी बता दूंगी ना, कंबल पे कंबल, रजाई कंबल सब। मैं ना सब उठा दूंगी, ये देख ले तू, तू कर ले मेहनत। 5 नहीं बजे तुम्हारा बिस्तर सज गया। और निकाल के ला दो डबल बेड की रजाई भी। नहीं, नहीं, तुमने तो सर्दी को अपील कर दिया, कह रही मैं तो इतनी हो रही जितने कपड़े हो रहे हैं। हाँ ये देखो जरा, 3-3 कपड़े, जिस ज्यादा पारा खा रहा ना उसमें आके घुस जाए। बिस्तरे पे बिस्तरे सजाए जा रहे हैं, ये देखो। अरे सारे ने नीचे से चपेट उठा, जितनी सजाई है तूने। मम्मा बिछा लिया मैंने अपना बिस्तर। सही है, सो उठाने वाले टेंशन ले रहे थे, सो उठा दूंगी मैं सफाई भी लाऊंगी, झाड़ू भी लगाऊंगी थी। पहले की सबसे बड़ी कंपल बिस्तर अभी सुनवाया, सुबह से पड़ा हुआ है बिस्तर, है ना? आ तो बिस्तर थोड़ा दिन सामने पे कंपल ले जाएंगे विराले जी। मम्मा आपने एक चीज नोटिस करी, स्वेटर देखो अपना उल्टा। पता है इसका फायदा क्या है? जब उतारो सीधा हो जाए, फिर दूसरे सीधा पहन लो। जब हमें अभी उतार के सीधा पहनना है, है? नहीं फिर एक काम करो ना, अगर कहीं बाहर जाओ तो भाई सब उल्टे कपड़े पहन के चले जाओ। और सब जब उतारेगा एक इंसान, अभी मुझे फिर जाके नीचे आना है, बर्तन मांगना है, इसलिए जैसा मिलता है उल्टा सीधा। हम 24 घंटे काम करते हैं, हमसे ज्यादा सर्विस कौन देगा? देख लो माँ के रहने 24 घंटे सर्विस मिले, सास तो 24 घंटे सर्विस लेगी तुमसे। नौकरानी रखवा दूंगी, कटवाती रहो। हमारे एक्वा गार्ड में भी इतनी ठंडी पानी आता है, बर्फ जैसा तो नहीं सर। सुबह सुबह उठने का मन क्यों नहीं करता सर्दियों में? इस वजह से नहीं, नहीं गर्मियों में तो मैं उठ लूँ आराम से, गर्मियों की दिक्कत नहीं, ठंड में नहीं उठा जाता। लेकिन मैं सुबह उठी ना, पहले तो 4 बजे ही खा ला रहा हूँ, फिर 5 बजे खा ला रहा हूँ, तब जाके तो मैं 6 बजे उठ पाई। काय को तो क्यों देखते हो? किसने कहा आपको रात को भूत वाली सपना? नहीं भूत वाली मूवी देखने के लिए आपको कही किसने थी रात को? देखोगे तो बड़े मजे से फिर सोने में हालत खराब। तो भाई यहाँ छोटू मैं तैयार, छोटी वगैरह करके सुबह से ऐसी घूम रही, छोटी मोटी कुछ नहीं थी आज तो मैं ऐसी घूम रही थी। अब साफ सफाई करके काम सारा मेरा ख़त्म हो चुका है और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब थोड़ा साफ सुथरा हो गया, अपने आप को अच्छी फीलिंग आती है ना साफ सुथरे रहते हो। तो चलिए फ्रेंड इसी साथ करते हैं वीडियो का एंड, और एक तक की आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि आ रही हमारी गली से आग जलाने के लिए लकड़ी तोड़ी जा रही है। और इसी साथ करते हैं वीडियो का एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे शेयर जरूर करें। तब तक टाटा एंड बाय बाय।